नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिग्नेचर ग्लोबल सिटी की लोकेशन बाय ड्रोन से, और 360 डिग्री के उस पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये साइट है आपकी सिग्नेचर ग्लोबल 37D की। ये सेक्टर रोड आते हैं, ये पटौदी रोड हो गया। अभी जो एंट्री है इसकी यहाँ ऐसे है, पटौदी रोड से साइट के ऊपर, और इसी के बगल में जो ये फॉरेस्ट एरिया है, यहीं से सेक्टर रोड आपका पटौदी रोड सॉरी द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पटौदी के दूसरी साइड भी है, मैं दूसरी साइड तरीके से भी आपको दिखाऊंगा एक बार। तो ये साइट है प्रॉपर, इसमें जो प्लॉट्स हैं, लेआउट वगैरह हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। तो इस तरीके से ये सोसाइटी बनेगी। यहाँ पे अदर लैंड आती है, यहाँ पे आपकी आएगी अदर लैंड, फिर ये दोनों साइड आपके प्लॉट्स हो गए, और इधर भी प्लॉट्स हैं, ये आपके गार्डन एरिया आ जाएगा इधर। ये बगल में सारा एग्रीकल्चर लैंड अभी खाली पड़ी है। तो इसके अंदर सेक्टर रोड भी इस प्रोजेक्ट के अंदर से जाते हैं, दो तीन सेक्टर रोड की एंट्री भी है। मतलब जो जितने भी ब्लॉक हैं सब डिवाइड हैं, अलग अलग आपके इसमें प्रोजेक्ट्स के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं सब सेक्टर रोड के दोनों साइड पड़ते हैं। ये इधर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, इतनी दूरी पड़ती है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे की। आप डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं एग्जिट होंगे, सेक्टर रोड के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे मिलेनिया 3 है, आधा पार्ट इधर है मिलेनिया का, आधा पार्ट इधर है, ये इसके अंदर से ये सेक्टर रोड आ रहा है मिलेनिया के ऊपर। जो मिलेनिया के दो पार्ट होते हैं वो ये सेक्टर वाला रोड है, फिर एक सेक्टर रोड जाता है 24 मीटर, ये जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होते हैं। अभी आप जब आते हैं मिलेनिया 3 के ऊपर साइट विजिट करने, तो आप यहाँ से आते हैं, ये फ्लाई ओवर है यहाँ पे, और ये राम प्रस्ता की सोसाइटियाँ बन रही हैं। तो ये लोकेशन है, मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से। ये पूरी की पूरी लैंड है, ये नाला है, ये नाला क्या है कि आने वाले टाइम में ये कवर हो जाएगा, जैसे कि NH8 तक ये कवर हो चुका है, और इसके ऊपर से वॉकिंग ट्रैक बना दिया है, गार्डन बना दिया है इसके ऊपर से। तो ये भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये मिलेनिया 3 है, ये इधर इसी की लैंड है प्रॉपर, ये ब्लॉक आने हैं, ये सारे एक सेक्टर रोड है इसके अंदर से, ये भी दोनों साइड होगा, और ये यहाँ पे 37C आ जाता है इस साइड। ये मिलेनिया 1 है आपका, मिलेनिया 1 जो कि जाके मिल जाता है मिलेनिया के पास से जो रोड जाता है, और ये भी 84 मीटर रोड के ऊपर कनेक्ट हो जाता है, 24 मीटर। तो यहाँ पे चौराहा बनता है, ये आपका पटौदी रोड की तरफ, ये 37C की तरफ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, और ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। ये ऐसे इस टाइप की ये लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट ग्रीनरी एरिया के बिल्कुल बगल में है, इसमें G+4 के टावर आ रहे हैं, और इसमें आपको प्राइवेट ऑफिस स्पेस भी बेसमेंट में दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है वो भी, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फुली फर्निश करके आपको ऑफिस स्पेस दिया जाएगा। टॉप फ्लोर के साथ विद रूफ राइट है आपको मिलेगी, और सभी प्रकार की एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर है, लाइक जिम, क्लब, पूल वगैरह, गार्डन, सभी हर प्रकार की सोसाइटी शॉप्स हैं भी इसके अंदर आएंगी, वो बाद में आएंगे, अभी इसका कोई प्राइस आया नहीं है। जो कमर्शियल इसका आएगा फ्रंट में, उसका अभी आया नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ पटौदी रोड से एक बार इसका व्यू, और दिखा देता हूँ कैसा ये व्यू दिखेगा। ये भी हम हैं पटौदी रोड के ऊपर, यहाँ से प्रोजेक्ट की एंट्री होती है। मैंने पिछली जो वीडियो बना रखी है 37D की, तो यहीं से हमने एंट्री किया था, तो आप एक्चुअल साइट भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इधर हम गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं, हीरो होंडा चौक की तरफ जाएंगे, यहाँ से आपका सेक्टर 10 की रेड लाइट आएगी, तो उससे राइट लेते हैं, हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे, या हम सोसाइटी के अंदर चले जाते हैं, यहाँ से सेक्टर रोड बनेगा। ये बगल में पूरा गांव एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया है, जंगली एरिया है। इसके अंदर आपको काफी बड़ी लैंड आपको देखने को मिल जाएगी फॉरेस्ट एरिया की। तो ये NH8 तक है, 36 सेक्टर है, वहां तक ये एरिया फैला हुआ है, काफी बड़ा जंगल एरिया आता है, फॉरेस्ट एरिया इसको बोलते हैं। और अभी पटौदी रोड का भी काम जल्द स्टार्ट हो रहा है, जुलाई के एंड में काम स्टार्ट हो जाएगा रेवाड़ी की तरफ से। तो ये पटौदी रोड भी और भी वाइड हो रहा है, 110 मीटर वाइड रोड हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो जो टॉप फ्लोर रहेगा, फोर्थ फ्लोर, वो विद रूफ राइट रहेगा, उसका ऑफिस स्पेस के अंदर कोई हिस्सा नहीं रहेगा। जो बेसमेंट में ऑफिस स्पेस दे रही है वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को दे रही है।
फोर्थ फ्लोर का विद रूफ राइट रहेगा, उसको ऑफिस स्पेस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि हर फ्लोर की अलग अलग रजिस्ट्री रहेगी। इसके अंदर तीन टाइप है, टाइप ए है, टाइप बी है और टाइप सी है। टाइप ए में आपका जो साइज आएगा वो आएगा 3 BHK का, जिसका 1440 स्क्वायर फीट का आपका साइज रहेगा, जो कि फर्स्ट फ्लोर अगर आप लेते हैं तो वो 91 लाख का पड़ेगा, फिर 88 लाख का, फिर टॉप फ्लोर रहेगा 96 लाख का। टाइप बी आता है 1250 स्क्वायर फीट का और टाइप सी आता है 2 BHK का, 990 स्क्वायर फीट का। तो ये कुछ साइज हैं इसके टाइप में। ये वापस ये द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से पटौदी रोड, आप द्वारका एक्सप्रेस से इस साइड पड़ेगा ये। तो ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है पटौदी रोड के दोनों साइड। तो इस टाइप की ये सोसाइटी है, यहाँ पे ये साइट है, यहाँ पे है आपकी 37D की साइट। अभी मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का और व्यू दिखा देता हूँ। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का, अभी हम पटौदी चौक के ऊपर हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनता है। यहाँ से अगर हम गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे 37D है जो साइट है, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे साइट है, और ये गुड़गांव की तरफ है, ये फिर फॉरेस्ट एरिया आ जाता है। तो प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट से या रहने के पर्पज से ले रहे हैं तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आधे से ज्यादा तो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है, एक दिन हुआ है प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। तो आप जल्दी करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रॉपर लोन गारंटी है इसके अंदर, सब्सिडी वगैरह है प्रॉपर, और गार्डन स्पेस है, तो मतलब रहने के लिए चीज अच्छी है, क्योंकि आपको एक ओपन स्पेस मिल रहा है, आपका गार्डन मतलब ग्रीनरी एरिया के अंदर आप रह सकते हैं। साइलेंट एरिया है, कोई ज़्यादा मतलब शोर शराबे वाली जगह नहीं है। स्कूल है काफ़ी अच्छे हैं आसपास, और इसमें 61 लाख से स्टार्टिंग होती है 2 BHK की, और फिर 3 BHK की दो टाइप हैं, 3+2 टॉयलेट और 3+3 टॉयलेट प्लस आपकी पूजा रूम रहता है। तो प्रोजेक्ट अच्छा है, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, NH8 की तरफ चले जाते हैं हम। इधर ये सेक्टर 88 आता है, ये वाला सेक्टर 88 है, और इधर हम चले जाते हैं पटौदी रोड, पटौदी की तरफ। ये पूरा पटौदी रोड चला जाता है रेवाड़ी की तरफ। तो ये व्यू है इस प्रोजेक्ट का, कि आसपास का क्या व्यू दिखेगा और कैसे किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट की लोकेशन रहती है। तो ये दो मेजर रोड के ऊपर पड़ता है आपका, द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड पे। 37C गुड़गांव का सबसे पुराना सेक्टर है, इसी एरिया में डेवलपमेंट नहीं है अभी तक, लेकिन अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होनी है, क्योंकि इस सेक्टर को डेवलपमेंट करेंगे अभी, क्योंकि यही सेक्टर बचा हुआ है रोड के इस साइड का, बाकी सभी सेक्टर डेवलपमेंट हो गए हैं। तो अब जितने भी यहाँ पे जैसे कि नाले की प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नाले का इशू है, तो नाला आपका कवर हो जाएगा प्रो, इसको ऊपर से रोड या आपका गार्डन बना देंगे या कुछ भी। तो इस ये ऐसी मेजर समस्या नहीं है नाले वाली, क्योंकि मेजर समस्या तब तक है ये जब तक ओपन है, लेकिन जल्द इसको कवर कर रहे हैं। ये आपका बादशाहपुर से स्टार्ट होता है, बादशाहपुर से लेके NH8 तक ये बन चुका है, आगे भी बहुत जल्द इसको कवर कर देंगे। तो ये थी कुछ आज की डिटेल्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।